हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ9 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डायल पैड टोन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ये डायल पैड टोन का। डायल पैड टोन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लैक कलर में इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग डिसेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो फ़ोन ऐप होता है ना, फ़ोन ऐप को ओपन करिए। फ़ोन ऐप के अंदर आपका ये डायल पैड होता है, इस डायल पैड पर अगर आप कोई सा नंबर आप दबाएंगे ना तो आपके डायल पैड से कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर दबा रहा हूँ लेकिन इनमें से कोई भी साउंड क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना डायल पैड टोन सेटिंग डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फ़ोन में। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ये डायल पैड टोन सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है डायल पैड टोन इस तरीके से। तो आपको नीचे की साइड ना ये ऑप्शन शो हो जाएगा डायल पैड टोन। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।